हेलो मित्रों, आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे और घर में हेल्दी होंगे। तो चलिएगा मित्रों, वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि जो आपका सीपीसीटी का एग्ज़ाम डेट है, आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2022 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2022 है। यदि आप 12वीं पास हैं और साथ ही साथ में आप सीपीसीटी के लिए तैयार हैं और सीपीसीटी वाले एग्जाम्स जैसे कि ग्रुप 4 पटवारी और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर रहते हैं, उन पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीपीसीटी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सीपीसीटी की डेट तो आ चुकी है, अब इस डेट में आप एप्लीकेशन अपना भर सकते हैं 31 अगस्त 2022 से पहले तक। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी जो कि सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना होगा, अपना आप फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 660 रुपये की मात्र फीस रहती है और अपने सेंटर में जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम रहता है, इसका सबसे जो मुख्य सेशन होता है वो 3 सेशन रहते हैं। एक आपका कंप्यूटर रहता है, दूसरा हिंदी टाइपिंग और तीसरा इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग तो आपका बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, आप यदि इंग्लिश टाइपिंग नहीं भी करते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट हिंदी टाइपिंग के लिए आती है। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। हिंदी टाइपिंग की स्पीड आप लोगों से मात्र 20 वर्ड्स पर मिनट की मांगी गई है, जो कि आप बहुत ही आसानी से 1 महीना अपनी प्रैक्टिस करके रेगुलर 2 से 3 घंटा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन जो टाइपिंग होती है उससे ही आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह तो आप कर लेते हो, टाइपिंग तो आप हिंदी में निकाल लेते हो, लेकिन सबसे मुख्य बात रहती है कि जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है आपका, इस कंप्यूटर के टेस्ट में आप कहीं ना कहीं रह जाते हो और इस कंप्यूटर के टेस्ट को आप जो है नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना होता है। कितना? 38 आउट ऑफ 75। तो 75 में से आपको 38 नंबर चाहिए होता है, लेकिन होता क्या है, आप 38 से भी कम ला लेते हो तो आप वहीं डिसक्वालीफाई हो जाते हो और आपकी सीपीसीटी की सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होती है। और इस तरह से आप फिर अगले बार के लिए तैयारी करते हो। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पर आती है कि जो कंप्यूटर का टेस्ट रहता है उसमें 38+ आपका कैसे आएगा, कैसे लाएंगे कम समय में, वो भी 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद फिर आपकी जो है परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी और फिर अगली डेट आपकी धीरे धीरे आ जाएगी। इस तरह से हर 2-3 महीने में यहाँ पर सीपीसीटी का एग्जाम आपका हो रहा है। तो अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को आपको जो है कैसे तैयार करना है, तो कंप्यूटर को तैयार करने के लिए सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो किस तरह के पूछे जा रहे हैं ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि cpct.mp.gov.in है। यहाँ से आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं कंप्यूटर से संबंधित, उन टॉपिकों पर आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए ताकि उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए वो आप लगा पाए, टिक कर पाए और अपने एग्जाम में पास हो पाए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिलेबस में आपका कुछ गणित, कुछ हिंदी और कुछ जीके रहता है जो कि बहुत ही नॉर्मल रहती है, जिसके लिए आपको नॉर्मल नॉर्मल जो टॉपिक रहते हैं मैथ्स के, वो आप अपने सिलेबस से देख करके अपना तैयार कर सकते हैं। और हिंदी तो बहुत ही आसान आपकी होने वाली है क्योंकि जब आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हो। तो आप कंप्यूटर ही इसमें मेन चीज़ रहती है, इसकी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 38 लेना होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो आपको देखने को मिलती नहीं है, इसलिए अपना अटेम्प्ट तो पूरे क्वेश्चन आप कीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, है ना। साथ ही साथ में आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं उनको तैयार कीजिए। अब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको किस तरह से तैयार करना है, आपको जो है एक्सेल, वर्ड और जो पावर पॉइंट है, इन तीनों चीज़ों पर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, इनको सीखते रहना है, जो कि आपको सामान्य सामान्य पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, वर्ड चलाना आना चाहिए और एक्सेल चलाना आना चाहिए।
तो उसके बाद उसी के साथ साथ आपको जो है कुछ शॉर्टकट की रहती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं तो कहता हूँ जितनी भी शॉर्टकट की है बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, 100 120 के समथिंग आपको मिलेगी। तो वो पूरी शॉर्टकट की को आप जो है सबसे पहले याद कर लीजिए और जो है समझ लीजिए और उसका प्रैक्टिकल भी कर लीजिए। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं तो उसको जो है डेली पढ़िए, डेली देखिए, आपको बिल्कुल जो भी लगभग 50 60 जो मेन शॉर्टकट की है वही पूछी जाती है, तो वो आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद बात आती है कि जो हम पेपर को आखिर एनालाइज कैसे करें और कैसे तैयार करें, मटेरियल कहाँ से निकालें। तो सबसे पहले आप जो है अपना देख सकते हैं 2016 से लेकर 2022 में जितने भी सीपीसीटी के एग्जाम हुए हैं तो उन सभी के जो क्वेश्चन पेपर है आप करंट अपडेट वाले सेशन से प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड नोटिफिकेशन लिखा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिए 2016 से लेकर के 2015 से लेकर के 22 तक का है। तो सबसे पहले आप जो है 16 17 18 19 20 इस पर मत जाइए, बल्कि सबसे पहले आप जो है 2022 के और 2021 के, ये दो जो आपके बर्ड्स हैं 2021 और 2022, इसके लगभग यहाँ पर देख सकते हो कि 12 15 आपको जो है दिनांक मिलेगी जिस दिन आपके एग्जाम हुए थे, और प्रत्येक में 2 3 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि 30 से 40 सेट तो आपको यही मिल जाते हैं। आप यदि प्रतिदिन 2 2 सेट भी तैयार करते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी जो है 2 महीने में। यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 और 21 के आप तैयार यदि करोगे तो यहाँ पर आपको 40 से 50 सेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस मंथ में जो आपका सीपीसीटी का एग्जाम हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उसके आंसर्स भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आप उनको क्वेश्चन को पढ़िए, उनके आंसर्स को देखिए कि किस प्रकार के आंसर्स और क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर उस तरह के क्वेश्चन को आप क्रिएट करने की कोशिश करीजिए कि इस कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अपने आपके पास जो भी पीडीएफ है पढ़ने के लिए या किताब है कंप्यूटर की तो उसमें देख करके उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह से यदि आप 30 से 40 सेट कंप्लीट कर सकते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ में आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी पैटर्न पर आप जो है अपने क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी कीजिए, और फिर उसके बाद में आप जो है अपनी जो सीपीसीटी की किताब होगी आपके पास कोई भी, तो उसमें कंप्यूटर संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है उनको देखिए, तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द जो है सीपीसीटी निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को आपको इसकी पीडीएफ कहाँ से निकालना है, फिर उसको किस तरह से पढ़ना है, और जो है अपने एग्जाम में किस तरह से सक्सेस पाना है। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।